हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिजवान और आप देख रहे हैं रिजू टेक। सो मैं आज आपको इस वीडियो में एकदम बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ जो कि इंस्टाग्राम के रील्स को कैसे वायरल करे और इंस्टाग्राम पर जल्दी से कैसे फेमस हुए। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लेना ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए। सो इंस्टाग्राम के रील्स को कैसे वायरल करें और इंस्टाग्राम पर जल्दी से कैसे फेमस हुए, उसके लिए हमें 3 स्टेप्स है। सो हमारा पहला स्टेप है, आप इंस्टाग्राम के रील्स पर जो वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो का क्वालिटी HD होनी चाहिए ताकि लोग अट्रैक्ट होकर वो वीडियो को लाइक करें। सो हमारा सेकेंड स्टेप है डिफरेंट कैटेगरीज वीडियोस। सो डिफरेंट कैटेगरीज यानी मेरे मैं सोचा कि 4 कैटेगरीज मैं खुद से बनाया कि 4 कैटेगरीज वीडियोस। सो पहला कैटेगरी का वीडियो है शायरी टाइप वीडियोस बनाओ। शायरी टाइप वीडियोस इंस्टाग्राम पर बहुत ट्रेंडिंग और बहुत जल्दी से वायरल हो रहे हैं, जो कि इंस्टाग्राम पर एक पंजाबी वाला बंदा है, मनिंदर भुट्टो कुछ के नाम है, वो अपने खुद का वॉइस का शायरी बनाकर वो बहुत वायरल हो गया है, बहुत जल्दी से फेमस हो चुका है। सो अगर आपको वैसा वीडियोस बनाना है तो उनका वॉइस लेके आप इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियोस बना सकते हैं, वो बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है और बहुत जल्दी से वायरल हो रहे हैं। सो सेकेंड वाला कैटेगरी है कॉमेडी या फनी। आप कॉमेडी या फनी वीडियोस बना सकते हैं, वो भी बहुत ट्रेंडिंग चल रहे और बहुत जल्दी से वायरल हो रहे हैं। सो हमारा तीसरा कैटेगरी वाला वीडियो है वो ट्रांजिशन या डांस वाले वीडियोस, क्योंकि ट्रांजिशन वीडियोस बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं, बहुत जल्दी से वायरल हो रहे हैं। और हमारा लास्ट एंड फाइनल कैटेगरी वीडियो है वो है रैप सॉन्ग्स वाले वीडियोस। रैप सॉन्ग्स वाले वीडियोस भी बहुत ट्रेंडिंग चल रहे और बहुत जल्दी से वायरल हो रहे हैं। सो मैं कहता हूँ अब ये 4 कैटेगरीज में आप किसी भी एक कैटेगरी को चूज़ करिए और उस पर रेगुलर वीडियोस बनाइए। सो आप रेगुलर वीडियोस बनाने से क्या होता है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम भी समझता है कि ये बंदा ने सही काम कर रहा है। सो आप रेगुलर वीडियोस अपलोड करिए। अगर आपका रील वीडियोस वायरल नहीं हुआ तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। और हमारा थर्ड वाला स्टेप है हैशटैग्स। सो इंस्टाग्राम के रील्स पर कौन से हैशटैग्स यूज़ करनी है, वो कैसे यूज़ करनी है। सो मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर बताता हूँ कि अपने इंस्टाग्राम के रील्स वीडियो पर सिर्फ हमें 8 हैशटैग्स यूज़ करनी है। आप जो भी वीडियो अपलोड करो, कभी भी वीडियो अपलोड करो, सिर्फ हमें 8 हैशटैग्स यूज़ करनी है। 8 हैशटैग्स यूज़ करनी है। सो हमारा पहला हैशटैग है रील्स इंस्टाग्राम और हमारा दूसरा हैशटैग है रील करो फील करो और हमारा तीसरा हैशटैग है रील इट फील इट और हमारा फोर्थ वाला हैशटैग है रील और हमारा फिफ्थ वाला हैशटैग है एक्सप्लोर और हमारा 6th वाला हैशटैग है एक्सप्लोर पेज और हमारा 7th वाला हैशटैग है आप जो भी प्लेस से है वो प्लेस का हैशटैग यूज़ करना है। सो मेरा प्लेस है हैदराबाद, सो मैं हैदराबाद का हैशटैग यूज़ करता हूँ। आप जो भी प्लेस है वो प्लेस का हैशटैग यूज़ करना है और हमारा 8th वाला लास्ट एंड फाइनल वाला हैशटैग है अपने खुद के नाम का हैशटैग। सो मेरा नाम है रिजवान शेख, सो मैं रिजवान शेख मेरा हैशटैग है वो यूज़ करता हूँ। आपका जो भी नाम है वो नाम का हैशटैग यूज़ करना है। अगर आप अपने नाम का हैशटैग अभी तक नहीं बनाए हो तो 100% अभी बना लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम भी अपने नाम का हैशटैग बहुत मायने रखता है। सो मेन चीज़ है अपने वीडियो का क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और लोग अट्रैक्ट होकर वीडियो को लाइक करें। 100% बोलूँगा ये 3 स्टेप्स को फॉलो करो और डेली रेगुलर वीडियोस अपलोड करो और ये 8 हैशटैग्स को यूज़ करो, आपका रील्स वीडियो 100% वायरल होगा और इंस्टाग्राम पर आपके फॉलोअर्स भी धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। सो अगर ये चीज़ नहीं हुई तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। सो ये वीडियो यहीं ख़त्म हो चुका है। सो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लेना ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए।